I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spittin', I could roast, I could gas. I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last. प्रॉपर्टी 360 स्क्वायर यार्ड है, 4 BHK प्रॉपर्टी है। आपके अलावा 4 गेट इसमें आपको मिलेंगे, जिसमें 2 गाड़ियों की पर फ्लोर पार्किंग मिलेगी, रजिस्टर पार्किंग मिलेगी। पूरे फ्लोर पे ग्रेनाइट का काम किया हुआ है। 4 सर्वेंट रूम मिलेंगे, पर फ्लोर 1 सर्वेंट रूम आपको मिलेगा। और एलिवेशन का लुक आप देख सकते हो, बिल्कुल DLF की तरह जो बनते हैं बिल्डर फ्लोर, वैसा इन्होंने बनाया हुआ है। कॉटन, स्टील, ईपे बोर्ड, टेक्सचर पेंट, काफी चीजों का इसमें यूज करके उसके बाद इस पूरे एलिवेशन को सजाया गया। फ्लोर के 10 मीटर दूरी पे एक बहुत ही सुंदर पार्क आपको मिलता है। पार्क की सबसे प्लस पॉइंट आपके लिए ये रहेगा कि 2 गाड़ियों की पार्किंग आपकी फ्लोर में तो रहेगी, बट विजिटर पार्किंग ये जो आप देख रहे हैं, ये आपको पूरा विजिटर पार्किंग की कभी भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि पार्क बहुत बड़ा है और चारों साइड पे इसमें विजिटर पार्किंग दी हुई है। काफ़ी ब्लॉक में पार्क हैं, बट विजिटर पार्किंग किसी भी ब्लॉक में नहीं मिलती है। फ्रेंड्स, अब हम अपने फ्लोर पे आ चुके हैं। ये फ्लोर का मेन गेट है। देख रहे हैं आप कितना सुंदर लुक बिल्डर ने इसमें दिया हुआ है। और ये आपका ओटिस का 6 पैसेंजर लिफ्ट आपको मिलेगा। अभी इसमें फिनिशिंग का काम बाकी है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में ये सारा काम खत्म हो जाएगा। जैसा कि ये देख रहे हो, ये जो लुक है एक अमेजिंग लुक है, बहुत ही सुंदर लुक दिया है। यहाँ पे आप जैसे ही हम एंटर कर रहे हैं अपने फ्लोर पे, एक बेसिक बात मैं बता देता हूँ, पूरे फ्लोर पे आपको ड्राइंग में, फैमिली लॉन्ज में, किचन में और जितने भी रूम्स हैं उसमें आपको इटालियन मार्बल मिलेगा। और 2 रूम्स हैं जिसमें आपको वुडन फ्लोरिंग काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, जिसका वाटर प्रूफिंग की वारंटी होगी। जस्ट सामने जो आप देख रहे हो, ये आपका ड्राइंग रूम है। और 4 सीलिंग का बहुत ही सुंदर लुक बिल्डर ने दिया हुआ है। ज़्यादातर इस लोकेशन पे ऐसे लुक नहीं बनाते हैं बिल्डर, क्योंकि ये DLF का काम है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी इसमें एक सैंडेलियर आएगा, बहुत सुंदर। अभी कुछ चीज़ें बिल्डर ने नहीं लगाई हुई हैं। मैं अभी आपको यहाँ का लेआउट समझा देता हूँ इस फ्लोर का। अभी मैं मेन गेट एंट्री पे खड़ा हुआ हूँ। लेफ्ट में आपका ड्राइंग रूम है, इसके जस्ट पास में ही आपका गेस्ट रूम है। पूजा रूम बिल्कुल आपके सामने है, काफ़ी सुंदर बनाया, काफ़ी अच्छा मंदिर निकाला हुआ है। और लाइटिंग का भी बहुत ही अच्छा यूज़ किया है, बहुत ही सुंदर लुक दे रहा है बंदे। इसके जस्ट पास में ही आपका मॉड्यूलर किचन आ जाएगा। ये आपका पाउडर वॉशरूम है और ये 2 आपके बेडरूम हैं और एक इस साइड पे बेडरूम। ये पूरा लेआउट आप देख लीजिए। ये आपका मेन गेट हो गया। अब हम एक एक करके हर एक चीज़ के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं ड्राइंग रूम। बहुत ही अच्छे स्पेस का ड्राइंग रूम ने निकाला हुआ है। यहाँ पे आप चाहते हैं तो पार्टीशन भी ले सकते हैं। प्लस 4 सीलिंग का डिज़ाइन तो बहुत ही सुंदर, जो DLF में काम होता है उस काम के ऊपर इन्होंने ये डिज़ाइन निकाला हुआ है। UPVC के डोर मिलेंगे आपको, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के। और पूरे फ्लोर पे इन्होंने इटालियन मार्बल का यूज़ किया हुआ है। 2 रूम हैं जिसमें आपको वुडन फ्लोरिंग काफ़ी अच्छी क्वालिटी की बिल्डर देंगे। गेस्ट रूम है ये, इस रूम में आपका वुडन फ्लोरिंग आएगा, जिसमें अभी लगभग 15 दिन के आसपास ये काम हो जाएगा। इसका डायरेक्ट आपका बालकनी, फ्रंट बालकनी से अटैच है। टीवी यूनिट बिल्डर बना के दे रहे हैं, काफ़ी चीज़ें बिल्डर खुद ही करके दे रहे हैं, आपको ज़्यादा काम कुछ नहीं कराना पड़ेगा। इसके अलावा जो ड्रेसर है, ड्रेसर का एक अलग पार्ट बिल्डर ने दिया हुआ है। काफ़ी लोग वॉशरूम के अंदर ही दे देते हैं, ये वॉशरूम के अंदर भी है बट वॉशरूम से अलग है। दो ड्रेसर काफी अच्छे स्पेस के बिल्डर ने यहाँ पे दिए हैं। अगर मैं वॉशरूम की बात करूँ, 4 सीलिंग और इसमें टाइल का यूज किया है और जितनी भी इसकी फिटिंग्स है ये सारी आपको जैगुआर कंपनी के काफी अच्छे ब्रांड है, आपने नाम भी सुना होगा, उसकी मिलेगी। अब हम मॉड्यूलर किचन देख लेते हैं। मॉड्यूलर किचन में आपको मिलेगा इटालियन मार्बल, प्लस दोनों इटालियन मार्बल का एक लुक बिल्डर ने बनाया हुआ है और ये इसमें गेट भी लगा दिया है, जिससे क्या है कि जब भी आपको प्राइवेसी की जरूरत हो आप अपना गेट लगा लीजिए। काफी लोग किचन में गेट नहीं लगाते हैं। ओटीजी, माइक्रोवेव, हॉब, चिमनी, ये सारा कुछ बिल्डर लगा के देंगे। कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। किचन आपका फ्रंट बालकनी से अटैच है। बिल्डर इससे पहले काफ़ी चीज़ें बना चुके हैं और उनके पुराने जो बिल्डर फ्लोर है वो इसी ब्लॉक में डिलीवर हैं। अभी तक कोई भी शिकायत नहीं आई है। काफ़ी मन से और काफ़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का यूज़ करते हुए बिल्डर बनाते हैं। ये आपका पाउडर वॉशरूम रहेगा। पाउडर वॉशरूम और इस रूम का जो वॉशरूम है ये दोनों कॉमन है। इसे हम ओपन कर लेते हैं। टीवी यूनिट का जो ये डिज़ाइन है ना, अमेजिंग डिज़ाइन है। इसका जो सतवारियों पत्थर होता है उसके कलर से मैच करते हुए ये इन्होंने टीवी यूनिट बनाया हुआ है। इस साइड पे आपका ड्रेसर है। ड्रेसर बिल्डर ने बिल्कुल फुल हाइट के आपको मिलेंगे। इस साइड पे आपका बेड आ जाएगा और इस रूम का जो अटैच है ये आपका बैक साइड की बालकनी से ये रूम अटैच है। यूपीवीसी डोर और 4 सीलिंग, बहुत ही अच्छी डिज़ाइन इन्होंने बनाई हुई है। अगर मैं इसके हाइट की बात करूँ, लगभग 9.5 फिट की हाइट आपको इस रूम में मिल जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जितने भी इसमें वॉशरूम हैं सब में आपको जैगुआर की फिटिंग मिलेगी। ये आपका वॉश बेसिन हो गया, सीट हो गई और ये आपका शावर एरिया हो गया। और वॉशरूम का साइज भी बहुत ही अच्छा निकाला हुआ है, 360 स्क्वायर यार्ड में, क्योंकि 4 रूम बनते हैं तो वॉशरूम का साइज यही निकल पाता है। ये आपका थर्ड रूम है। ज़्यादातर 360 स्क्वायर यार्ड के जितने भी बिल्डर फ्लोर होते हैं उसमें 3 रूम ऐसे होते हैं जो एक दूसरे की बालकनी से अटैच हो जाते हैं। एक रूम में थोड़ा साफ्ट से प्रॉब्लम रहता है, वो साफ्ट के पास ही देना पड़ता है। बट इन बिल्डर ने जितने भी इनके रूम्स हैं सब बालकनी से अटैच हैं, क्योंकि 3 रूम उन्होंने पीछे की साइड पर दिए हैं, बैक साइड की बालकनी पर। इटालियन मार्बल लगाया हुआ है इस रूम में। टीवी यूनिट काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। अभी इसका लास्ट कोटिंग बाकी है, इस पर भी पेंट होगा। यूपीवीसी का डोर और ये आपका ड्रेसर आ गया। इस बिल्डर फ्लोर की मुझे सबसे खास बात ये लगी कि इन्होंने क्या है कि वॉशरूम के अंदर ड्रेसर बनाए हुए हैं और फिर भी वो वॉशरूम से बाहर भी हैं। काफ़ी लोग ये चाहते हैं कि जो ड्रेसर हैं वो वॉशरूम के अंदर ना हो। शावर एरिया हो गया आपका, सिंक हो गया, सीट हो गया। जितने भी वॉशरूम है उसकी टाइल का जो कलर कॉम्बिनेशन है और जो ये डिज़ाइन दिया है, ये ब्लैक कलर की जो पट्टी है, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बिल्डर ने ये बनाया हुआ है। एक अलग ही लुक दे रहा है वो। तीन रूम हम देख चुके हैं। अब हम अपने चलते हैं मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम में बिल्डर ने पूरा इटालियन मार्बल लगाया हुआ है, प्लस ये जो डिज़ाइन बनाया हुआ है बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइन लग रहा है। सिंक एरिया हो गया आपका, सीट हो गया और सावर आपका इस साइड। अब हम इसका बैक साइड का बालकनी देख लेते हैं और इसके जो वार्डरोब्स हैं, इसकी जो ड्रेसर हैं, ये आपके इस साइड पे आपको मिलेंगे। गेट से जब आप एंटर करेंगे तो इस साइड पे ये बिल्डर ने दिए हुए हैं, जो बिल्कुल आपको महसूस भी नहीं होंगे कि किस साइड पे बने हुए हैं। बैक साइड की बालकनी है, इसके जस्ट पीछे, इसके पीछे आपको मिलता है ये प्लॉट और कुछ समय बाद ये प्लॉट बनेगा। बैक साइड की बालकनी का स्पेस भी काफ़ी अच्छा दिया है बिल्डर ने। 5 फुट की बालकनी बिल्डर ने दी हुई है और काफ़ी अच्छी बालकनी, प्लस पूरे टाइल का यूज़ किया हुआ है इसमें। अब मैं आपको फ्रंट बालकनी इसमें दिखा देता हूँ। तीन 360 गज का प्लॉट आपको सामने मिलेगा और उस प्लॉट का जो बिल्डर फ्लोर बनेगा उसका जो फेसिंग होगी वो उस साइड पे होगी, आपके घर के सामने। इसमें कोई भी गेट नहीं आएगा और इसके पास में ही बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे बहुत ही सुंदर पार्क है। एच ब्लॉक का बहुत ही सुंदर पार्क इसमें दिया हुआ है।